हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सी रेजिन की वॉल क्लॉक। वैसे तो मैंने बहुत सारी वॉल क्लॉक बनाई हैं, बट आज के वीडियो में एक बहुत ही क्यूट सी डिफरेंट सी वॉल क्लॉक बनाना हम सीखेंगे। सो इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, माय नेम इज़ कंचन, डू सब्सक्राइब एंड विदाउट एनी फर्दर अडो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो सबसे पहले हम करेंगे अनबॉक्सिंग ऑफ ब्यूटीफुल क्राफ्ट सप्लाइज फ्रॉम रेजिन बाजार। तो अगर आप बिगनर हैं ना रेजिन आर्ट में और अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, दिस इज अ ब्यूटीफुल किट यू कैन बाय। द कॉस्ट ऑफ द किट इज 4755। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये वेइंग स्केल, इसके अंदर एक सेल ऑटोमेटिकली आता है, तो यू जस्ट हैव टू पुट इट इनसाइड और ये चल पड़ता है। और साथ में आते हैं बहुत सारे स्टिकर्स, इसको आप रेजिन के बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं ड्राइड फ्लावर्स, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं रेजिन में। उसके बाद आते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के ग्लिटर्स, जो कि बहुत ही सुंदर लगते हैं रेजिन आर्ट फॉर्म में। फिर आता है ये ट्वीज़र, जिससे हम रेजिन में फ्लावर्स वगैरह जो होते हैं, ड्राइड फ्लावर्स होते हैं, ग्लिटर्स को हिलाना है उठाना है तो आराम से इससे हम कर सकते हैं। फिर आता है ये प्लायर, जिसको हम डिफरेंट डिफरेंट तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम किचन बना रहे तो उसको हम टाइट कर सकते हैं इससे। और फिर ये आता है किचन का सेट। फिर आता है ये पूरा क्लॉक का सेट, जिसको आप सिर्फ क्लॉक के पीछे लगा लो तो आपको कुछ भी हैंगिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है ये टॉर्च, जिससे हम रेजिन में जितने भी बबल्स होते हैं उसको ये निकालते हैं। देन आती है बहुत ही सुंदर वॉल क्लॉक की हैंड, ये बहुत सुंदर है, ये मैं आपको दिखाऊंगी कैसा लगेगा। देन इसमें है ब्यूटीफुल सा गोल्ड फ्लेक और डिफरेंट डिफरेंट कलर है रेजिन पिगमेंट के। फिर आती है कुछ आइसक्रीम स्टिक, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं रेजिन को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को मिक्स करने के लिए। कुछ कप्स आते हैं और ग्लव्स भी आते हैं। फिर आता है ये अल्फाबेट्स का सिलिकॉन मोल्ड, जिसमें अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं कीचेन का, तो उसके लिए बहुत काम आएगा। एक छोटा सा कोस्टर मोल्ड और द मोस्ट ब्यूटीफुल वन इज दिस 12 इंचेस का क्लॉक सिलिकॉन मोल्ड, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एंड अच्छी क्वालिटी का है। और लास्ट में आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रेजिन। दिस रेजिन इज 3:1। इसे कैसे यूज़ करना है ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगी, एंड यू कैन बाय इट फ्रॉम द वेबसाइट रेजिन बाजार। ठीक है, इन सारी चीज़ों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड विदाउट एनी फर्दर अडो लेट्स मेक दिस ब्यूटीफुल वॉल क्लॉक। तो मैंने ले लिया है अपना वेइंग स्केल और मैं इसमें लेने वाली हूँ मेरा रेजिन 3:1। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू हैव टू पुट ऑन योर ग्लव्स, बिकॉज एक बार रेजिन हाथ में लग जाता है ना, वो बहुत ही किच किच करता है, दैट इज़ अ वेरी अनकम्फर्टेबल फीलिंग। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने रेजिन मिक्स कर लिया है 3:1, मतलब आपको हार्डनर लेना है 1 और आपको रेजिन लेना है 3 पार्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 ml लिया है हार्डनर, तो आपको जस्ट ऑपोजिट 30 ml लेना है आपको रेजिन। ठीक है, सो दैट इज़ कॉल्ड 1:3। तो मैंने ले लिया है यहाँ गोल्ड कलर और थोड़े से मैंने ग्लिटर भी ले लिया है। ग्लिटर से क्या होता है ना, बहुत ही सुंदर लुक आता है, आप देखना वो। तो हम इसे थोड़ा सा इसमें रेजिन लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, बिकॉज हमें सिर्फ नंबर्स को ही कलर करना है। Nothing ever felt as good. तो हमें सिर्फ जितना नंबर्स है ना, उसी के अंदर बहुत ही केयरफुली हमें नंबर्स फिल करने हैं। और फिर हमें इसको एक दिन के लिए सूखने देना है। अगर हम इसे गीले पे ही पूरा अपना रेजिन लगा देंगे ना, तो क्या होगा, कलर मिक्स एंड मर्ज सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें सिर्फ नंबर्स के अंदर ही रेजिन को डालना है। और एज यू कैन सी, यहाँ पर मैंने डिफरेंट डिफरेंट टूल्स लिए हैं, जहाँ पर रेजिन गिरता है फटाक से आप उसको साफ कर दीजिए। नाउ वी आर गोइंग टू लीव इट फॉर अ डे। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक हैक बताती हूँ, हमेशा थोड़ा सा रेजिन तो बचता ही है, चाहे आप कितना भी मेजर करके बना लो। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, इस टाइप के अलग अलग मोल्ड हमेशा अपने पास रखती हूँ। तो एज यू कैन सी, यहाँ पर मैंने एक छोटा मोल्ड है, उसमें ये ब्यूटीफुल सा फ्रेम बना लिया है। तो इसी तरह से नेवर वेस्ट योर रेजिन एंड अपने आसपास ऐसे छोटे छोटे क्यूट से मोल्ड रखिए, ताकि आपकी भी रेजिन वेस्ट ना हो और आप भी कुछ सुंदर से एम्बेलिशमेंट्स बना सके। ओके, नेक्स्ट डे दिस इज गना लुक समथिंग लाइक दिस। एज यू कैन सी, दिस इज नॉट कम्प्लीटली क्योर्ड और थोड़ा सा वो हिल रहा है। तो हमेशा ऐसा ही होता है, डे 1 में रेजिन आपका थोड़ा सा हिलता ही है।
और फिर नेक्स्ट डे आपका एकदम वो हार्ड हो जाता है. एंड बिकॉज दिस इज 1:3 सो इट टेक्स अ लॉट मोर टाइम टू ड्राई. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट स्टेप इज ब्यूटिफुल कलर्स वगैरह हम इसमें लगाएंगे. मैंने इसको जो इमेजिन किया था वो यही किया था कि सेंटर में पिंक एंड ऑरेंज का मैं लुक दूंगी, साइड में वाइट दूंगी और फिर हमारे ब्यूटिफुल से यू नो जो ये नंबर्स हैं ये तो ऑलरेडी ग्लिटर वाले ही हैं तो काफ़ी सुंदर ही लगने वाली है. तो एज यू कैन सी यहाँ पर मैंने सेंटर में और साइड में थोड़े से पिंक और ऑरेंज पिगमेंट के साथ मिलाकर और फिर इसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया है. अब यहाँ पर मैं ट्रांसपेरेंट वाला रेजिन डाल रही हूँ एज यू कैन सी. ठीक है, यहाँ हमको अभी वाइट नहीं डालना है राइट नाउ. नाउ वी आर गोइंग टू अगेन लीव दिस पार्ट आल्सो टू कम्प्लीटली ड्राई फॉर अनदर डे. ठीक है, नाउ दिस इज़ थर्ड डे और इसमें मैंने अब बेस जो है मेरा बैकग्राउंड जो है उसको मैं वाइट करने वाली हूँ ताकि जब हमारी वॉल क्लॉक हम ऑपोजिट साइड से देखें तो वो बैकग्राउंड पूरा वाइट रहे और फिर हमें नंबर्स वगैरह कलर्स और ज़्यादा निखर के और हाईलाइट होके आए. तो बैकग्राउंड में यहाँ मैंने व्हाइट कलर कर लिया है, व्हाइट पिगमेंट डाला है और उसके बाद इस पर अच्छे से मिक्स करके पूरा इसे कवर कर दिया है. एंड अगेन मैंने इसे अराउंड 2 दिन छोड़ा बिकॉज 1:3 रेजिन टाइम लगाता है अच्छे से क्योर होने में. सो नाउ दिस इज़ हाउ आवर ब्यूटिफुल बेस इज़ गोइंग टू लुक. आई वाज सो एक्साइटेड एंड हैप्पी टू सी द नंबर स्पेशली बिकॉज मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था कि अच्छा लगेगा नहीं लगेगा एंड ऑल दैट, बट दिस इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग एज यू कैन सी हाउ ग्लिटरी एंड ब्यूटिफुल द नंबर्स आर लुकिंग राइट. Now we are going to do a little more because साइड में मुझे ये वॉल क्लॉक थोड़ी खाली खाली सी लग रही थी तो मैंने सोचा इसको मैं थोड़ा सा और डेकोरेट करती हूँ. तो इसके लिए मैंने यहाँ सितारे ले लिए हैं. आपके पास अगर ऐसा कुछ नहीं है या आप अगर इसको ओवरडू नहीं करना चाहते आप सिंपली एक गोल्ड पेन से लेकर साइड में आप यू नो बॉर्डर बना सकते हैं. और साइड में मैंने इसके पूरा ये पर्ल लगा लिया है. बिफोर आई वॉज कन्फ्यूज कि मैं अंदर बाहर दोनों तरह लगाऊँ बट देन आई वॉज लाइक नहीं मैं सिर्फ साइड में ही ये एक स्ट्रिंग लगाऊंगी और इन दोनों को ही स्टिक कर लिया है मैंने सिलिकॉन ग्लू से क्योंकि उससे एकदम अच्छे से स्टिक हो जाता है. लेकिन जब आप ग्लू लगाएंगे देन यू डोंट हैव टू टच इट फॉर अ डे क्योंकि वो एक बार अच्छे से हार्ड हो गया फिर आप इसके ऊपर बाकी सारे काम कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ द बेस ऑफ द वॉल क्लॉक इज लुकिंग. इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग. आई एम लविंग इट. अब हम इसके हैंड और मशीन फिक्स करते हैं. तो मशीन लगेगी कुछ इस तरह से. इसके आगे ये वाला पार्ट होता है मशीन का और एक हैंगिंग आपको साथ में ही मिलता है विच इज लाइक अ होल्डर. सो यू डोंट हैव टू बाय अ सेपरेट होल्डर फॉर दिस. फिर आप मशीन को इस तरह से वॉल क्लॉक में फिक्स कर लीजिए. एंड नाउ वी आर गोइंग टू फिक्स ऑल द हैंड्स. तो हैंड में क्या होता है, सबसे पहले आपका जो आर वाला है वो लगेगा, देन आपका मिनट वाला लगेगा एंड देन आपकी सेकंड वाला हैंड लगेगा. फिर हम लगा लेंगे इसमें बैटरी एंड हमारी ब्यूटीफुल सी वॉल क्लॉक हो जाती है रेडी. लेट मी नो आपको ये वॉल क्लॉक कैसी लगी. मुझे तो बहुत मज़ा आया इसे बनाने में. एंड इसके साथ ही साथ मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारे के सारे रेजिन के टिप्स ट्रिक्स हैक्स सब कुछ बताया है. वो वीडियो ज़रूर देखना, दैट इज़ सुपर यूजफुल. अगर आप रेजिन आर्ट स्टार्ट कर रहे हैं यू आर अ बिगनर वो वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी है. उसमें आपको काफ़ी सारी छोटी छोटी माइनर चीज़ें मैंने बताई हैं. सो वो वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो वो डेफिनेटली इस वीडियो के बाद आप ज़रूर देखना. और अगर आप भी कुछ ऐसा बनाते हैं इंस्पायर होके सो डू शेयर द पिक्चर्स विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम and Facebook as well. Till then, take care and see you next time. Bye.